ओके नाउ लेट्स लुक एट ये नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम जो हमने इसके लिए कैलकुलेट करने तो नॉर्मल टाइम जैसे कि हमने दिया हुआ था इट इज़ एवरेज ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय द रेटिंग फैक्टर जैसे आपको याद होगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर 85 परसेंट पर रेट किया गया था वर्कर सो so, वो पॉइंट से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी ऑब्जर्वड uh, एवरेज ऑब्जर्व टाइम था उसको जो उस वर्कर का टाइम था वो से लट से चार या पाँच ऑब्जर्वेशंस हुई थी साइकिल्स हुए थे उसके अंदर जो भी उसका एवरेज टाइम निकला अगर पाँच ऑब्जर्वेशंस थी पाँच साइकिल्स थे तो आपने टोटल उसके ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व टाइम्स को सम करना है और पाँच पर डिवाइड कर लेंगे तो वो आपके पास एवरेज ऑब्जर्व टाइम आ जाएगा इसको फिर हमने आ, उसके रेटिंग uh, फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वर्क एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा ठीक है ना फिर हम सारे वर्क एलिमेंट्स को सम करेंगे उनके नॉर्मल टाइम को तो हमारे पास नॉर्मल टाइम फॉर द टास्क आ जाएगा बट इधर हम सिर्फ नॉर्मल टाइम फॉर द वर्क एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसका जो हमने स्टैंडर्ड टाइम है वो नॉर्मल टाइम डिवाइडेड बाय वन माइनस अलाउंस लेंगे तो उसका वो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा तो इस केस के अंदर जैसे मैंने बताया कि हमारा जो एवरेज ऑब्जर्व टाइम था पूरे टास्क का दैट वाज फोर मिनट्स ठीक है इसके अंदर हमने ये फोर मिनट्स के अंदर ये परफॉर्म किया वर्कर ने वर्कर की रेटिंग वाज एटी फाइव परसेंट अलाउंस फैक्टर इज थर्टीन परसेंट तो इसके अंदर नॉर्मल टाइम जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो एवरेज ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर विच इज़ फोर मल्टीप्लाई बाई पॉइंट एट फाइव यू कैन सी के ये टाइम रिड्यूस हुआ है क्यों रिड्यूस हुआ कि वर्कर वाज नॉट दैट स्किल्ड वर्कर और वो स्लो काम कर रहा था तो वो जो ऑब्जर्वर है उसने ऑब्जर्व किया कि ये स्लो काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये काम ज़रा जल्दी हो जाना चाहिए तो इसका टाइम रिड्यूस होना चाहिए उसने इसको जो फैक्टर दिया वो 85 परसेंट पर किया तो टोटल नॉर्मल टाइम इस 3.4 मिनट्स और इसको फिर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया तो हमने 13 परसेंट क्योंकि अलाउंस किया हुआ तो वन माइनस पॉइंट वन थ्री किया तो उसके बेसिस पर जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3.9 मिनट्स आया फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब जो कि इसने परफॉर्म की